हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे OnePlus 7 Pro मोबाइल फोन की। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा। और अगर आपने मोबाइल फोन ऑलरेडी परचेज कर रखा है और आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स के आंसर अपनी आने वाली वीडियोज के अंदर दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है OnePlus 7 Pro मोबाइल फोन का बॉक्स। बॉक्स के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे गो बियॉन्ड स्पीड लिखा हुआ दिखेगा आपको, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे OnePlus 7 Pro लिखा हुआ है। बॉक्स के नीचे की तरफ आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इसका मॉडल, कलर, इसका प्राइस और इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। अंदर की तरफ से ये बॉक्स बिल्कुल रेड कलर का है और सामने OnePlus का लोगो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन कवर है, ये हर एक फोन के साथ आपको ऐसा ही मिलता है आजकल। इसके अलावा यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस हैं मोबाइल फोन के बारे में, इसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं आपके मोबाइल फोन के बारे में, ये एक यूजर मैनुअल आपको मिलता है और ये OnePlus का लोगो आपको साथ में मिलता है। इसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं मोबाइल फोन के बैक साइड में या फिर जहां पे आप चाहें। तो अभी के लिए मोबाइल को साइड में रखते हैं और कंटेंट देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो ये एक वेलकम लेटर है, इसके अंदर एक ये प्यारा सा मैसेज आपको OnePlus की तरफ से देखने को मिल जाएगा। ये OnePlus मोबाइल फोन की चार्जिंग केबल है, ये काफ़ी थिकनेस इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका जो गेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट इस USB केबल से फ्लो करेगा और हमारा मोबाइल फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ये USB-C टाइप केबल है, जिसकी वजह से आप अगर अपने लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो वो काफ़ी हाई स्पीड में आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। केबल की जो लेंथ है वो 1 मीटर के आसपास होगी और काफ़ी सॉलिड केबल आपको यहाँ पे ये मिलता है। तो ये एक वेब चार्जर है, ये आउटपुट जो हमें देता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की देता है और साथ ही 5 वोल्ट 6 एम्पियर की मैक्सिमम आउटपुट ये हमें दे सकता है, जिससे ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। चार्जिंग टेस्ट के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये एक्चुअल में 100% कितनी देर में कर सकता है। तो ये है हमारा मोबाइल फ़ोन OnePlus 7 Pro। सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू करते हैं। तो सामने की तरफ आपको 6.67 इंचेस का QHD हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। अभी मोबाइल फ़ोन बूट हो रहा है, इसके डिस्प्ले के बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा। तो बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरे की। कैमरा इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी बैक साइड में कैमरा मिलता है और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा आपको मिलता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको कैमरा मिलता है और इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा आपको मिलता है और नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी फ्लैश आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये जो मेरे पास मोबाइल है दोस्तों इसका कलर मिरर ग्रे है और बैक साइड में दोस्तों इसकी जो लुक है बिल्कुल ग्लॉसी लुक है और यहाँ पे OnePlus का लोगो आप ये देख सकते हैं। फ़ोन के राइट साइड में यहाँ पे आपको ये पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है और इसके ऊपर यहाँ पे आपको ये अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जिससे आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे साइलेंट, वाइब्रेशन या फिर रिंगटोन की चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ये एक स्पीकर मिल जाता है, USB-C टाइप का ये पोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको ये सिम स्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर आप सिर्फ 2 सिम को इंसर्ट कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है आपके लिए और साथ ही इसमें 3.5mm जैक का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप कनेक्टर परचेज कर सकते हैं, जिससे USB-C टाइप से आप अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर पाएंगे और फ़ोन के लेफ्ट साइड में सिर्फ आपको वॉल्यूम अप डाउन कीज यहाँ पर मिलती हैं। ऊपर की तरफ आपको ये सेल्फी पॉपअप कैमरा मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का है और साथ में यहाँ पे ये एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक आपको मिल जाता है।
तो इसका ओवरऑल डिजाइन दोस्तों काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा इसका डिजाइन है, स्लीक सा मोबाइल फोन है। तो अब ये फोन ऑन हो चुका है, सामने आप देख सकते हैं दोस्तों क्या मतलब जबरदस्त इसका डिस्प्ले है, बिल्कुल सीमलेस एच टू एच डिस्प्ले है, कोई नॉच इसके अंदर नहीं है। और जो इसके जो कलर्स हैं दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छे कलर्स आपको दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के एच पे यहाँ पे आपको एक कर्व मिलता है, कर्व ग्लास है ये, जिससे कि इसका जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये ईयरपीस स्पीकर इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी पतली लाइन है, मेरा कैमरा भी इसको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। ये मोबाइल फ़ोन आपको तीन वेरिएंट्स में मिलता है, 6GB रैम 128 स्टोरेज के साथ, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और 12GB रैम 256 स्टोरेज के साथ। तो आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर मिल जाता है और एक आलमंड कलर मिल जाता है और साथ ही एक मिरर ग्रे कलर मिल जाता है, तो कोई भी आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब इस मोबाइल फोन में जैसे कि आपको 12GB का रैम मिलता है, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इसमें चलाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप हाई एंड गेम में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हाई एंड गेमिंग भी आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। इसमें USB-C आपको पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी स्पीड से कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन और अपने लैपटॉप के बीच में। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिलता है और डॉल्बी एटमोस के साथ, जिससे कि आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम हो जाएगा। मोबाइल के अंदर आपको 2.8GHz स्नैपड्रैगन 855 ओक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है मोबाइल का वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। फेस अनलॉकिंग भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप अपने पावर बटन को प्रेस करते हैं साथ ही पॉपअप कैमरा बाहर निकलता है, पिक्चर क्लिक करने के बाद मोबाइल को अनलॉक करता है और साथ ही अंदर चला जाता है, बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर ये प्रोसीजर होता है जो कि काफ़ी कूल है इस मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको कनेक्टिविटी के लिए 4G FDD LTE तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप GSM सिम भी अपना चला सकते हैं और CDMA सिम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही आप दो 4G सिम्स आप इसमें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है, हॉटस्पॉट मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ इसके बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के, और कैमरा से रिलेटेड दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं दे दूंगा जिसके अंदर इसकी वीडियो क्वालिटी, कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए देखिए बैक कैमरा के इसके शॉट्स हैं और ये इसके कुछ फ्रंट कैमरा के शॉट्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छे शॉट्स आप इस कैमरा से ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी एक्सीलेंट है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट साथ में मिलता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है, रैम मिलती है। सॉफ्टवेयर दोस्तों इसका एंड्रॉयड 9 पे ये वर्क करता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं जो कि आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को अच्छा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में कुछ कमियां भी मुझे लगी हैं जो पर्सनली मेरा व्यू है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलती है, कोई आप इसमें मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हैं, ऑडियो जैक आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे आप अपनी पुरानी ईयरफोन्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें 6.67 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा बल्की भी है ये मोबाइल फ़ोन। इतने हाई प्राइस के अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं मिलती है, वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर नहीं मिलती है आपको, और दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एटलीस्ट एक ऑडियो जैक तो रखना ही चाहिए था जिससे हम अपने पुराने ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकें, तो वो भी आपको इसके अंदर नहीं मिलता है।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।